चैप्टर 10 देख रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो दो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो आपको बताने हैं। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर ये एक सरफेस है और ये नॉर्मल है सरफेस का, यानी कि 90 डिग्री है, तो अगर इस तरीके से लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तीसरा, ये जो रे है यानी कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल रे है ये वाली, ये तीनों रे जो है वो आपके सेम प्लेन में होती है। यानी कि अगर ये एक प्लेन है तो इस सेम प्लेन में ये तीनों होगी, अलग अलग प्लेन में नहीं होगी। ड्रॉ एंड शो ऑन अ डायग्राम, आपको डायग्राम में शो करना है जो टर्म रिलेटेड है कॉनकेव मिरर से, अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिएगा कि जो भी आप एक कर्व सरफेस लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्कल का पार्ट होता है। तो जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किसी भी मिरर, यानी कि यहां से यहां तक का जो पार्ट लिया आपने, तो डायमीटर जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसे हम एपर्चर कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक जो आ जाएगा इस ये पॉइंट, यहां से यहां तक, इसको हम रेडियस ऑफ ये अपर्चर कहेंगे, इसको हम अपर्चर कहेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, जो रेडियस है उस स्फीयर का, अभी इसी स्फीयर की बात हो रही थी, इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट बनाता है, जिसका ये पार्ट है, मतलब इस बड़े सर्कल का, स्फीयर का एक पार्ट है, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका हो गया अपर्चर और यहां से यहां तक हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फोकस बताना है कॉनकेव मिरर का क्या होता है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेवेक्स मिरर का 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी। तो देखिए, जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी की सारी रे आपस में जो पैरल होंगी वो मीट करती हैं या मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे आर आपका 30 है तो एफ क्या होगा, आर बाय टू, यानी कि 30/2, यानी एफ हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर की, जहां तक बात है। आपको डिस्टिंग्विश करना है रियल और वर्चुअल इमेज में किसी ऑब्जेक्ट की, और कौन से टाइप की इमेज बनती है, एक प्लेन मिरर द्वारा और एक सिनेमा स्क्रीन द्वारा। तो देखिए, यदि एक जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, एक इमेज बनाते हैं अपनी खुद की, इसे हम रियल इमेज कहते हैं। यानी कि वो लाइट रेज आनी चाहिए और ये आपस में मिल के या इंटरसेक्ट होके जहां बनाएंगी उसे हम इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहेंगे। लेकिन यदि रे कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज हो रही हो, यानी कि अगर इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, तो ये आपने ये पॉइंट ले लिया, यहां से यहां तक बता दिया ये इमेज है। लेकिन अगर ये इस तरीके से कन्वर्ज नहीं हो रही है, ऐसे जा रही है, ये तो कभी कन्वर्ज नहीं होगी, तो इसको हम पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाते हैं और फिर यहां ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यहां इमेज बनेगी। यानी कि डाइवर्ज हो रही है इमेज, तो वर्चुअल इमेज बनाई जाएगी या बनेगी। तो रियल इमेज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पे, हम रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते। तो जो प्लेन मिरर है ये आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और सिनेमा स्क्रीन की जहां तक बात हो रही है सवाल में, वो रियल इमेज बनाते हैं, रियल इमेज बनेगी। आपको रे डायग्राम बताना है और पोजीशन भी बतानी है, जो रिलेटिव साइज होगा और नेचर होगा इस इमेज का, जो बनेगा कॉनकेव मिरर द्वारा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर के। तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो हम रखेंगे, देखिए यही इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि हमने इसको यहां रखा, ये कहां रखा हमने, सेंटर ऑफ ये सी, मतलब एट सी, यानी कि इस जगह पे जब रखा, ये आपका पोल होता है, ये फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस जगह हमने जब रखा तो यहां से जब स्ट्रेट लाइन गई तो वो टकरा के कहां से आएगी, फोकस से, जो सीधे जाएगी फोकस से वो तो सीधे जाके पैरल हो जाएगी। तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर, ये आपकी इमेज बनेगी। तो पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो आपकी सी है, और जो पोजीशन इमेज की वो भी यहीं पे होगी सी पे, राइट। और ये क्यों रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज के, रियल क्यों है क्योंकि एक्चुअल रेज आके कन्वर्ज हो रही है, इसलिए आपकी रियल हो गई। इन्वर्टेड क्योंकि ये इससे उल्टी है, अलग डायरेक्शन में है, साइज एकदम सेम दिख रहा है आपको। आपको डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम का, इसकी यूनिट क्या होगी और किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का या वाटर का, यानी कांच का या पानी का। तो जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस पे, यानी कि रेशियो सी स्पीड ऑफ लाइट ये है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, और जो स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में,
इनका जो रेशियो है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू से या एन से शो करते हैं इसको, या सी बाय वी हम कह सकते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि दोनों की दोनों इन दोनों की यूनिट सेम होगी, है ना, दोनों स्पीड है, तो इसके लिए कोई यूनिट नहीं होती। और यहां पर देखिएगा, ये ग्लास का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बनिस्बत की वाटर का। एक रे ट्रेवल कर रही है एयर में और वो ऑब्लिकली आ रही है वाटर में। क्या जो लाइट रे है ये बेंड टूवर्ड्स हो रही है, मतलब उसके करीब आ रही है, उसके दूर जा रही है नॉर्मल से? क्यों? आपको रे डायग्राम से बताना है ताकि ये सिचुएशन आप समझा सकें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो ये आपका सरफेस है, अब यहां से इंसिडेंट रे आई, तो लाइट जो है वो आपकी ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इस सरफेस से, इसके करीब आएगी, इसके मतलब जो सवाल है उसमें बेंड टूवर्ड्स होगी, इसके करीब आएगी। तो जो रे बेंड होगी नॉर्मल से, क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है वो यहां पर चेंज हो जाती है, क्योंकि यहां अंदर ये कम स्पीड से चलती है बनिस्बत की बाहर से, इसीलिए इसके करीब आ जाएगी, इसलिए आपको बेंडिंग दिखाई देगी। आई इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो आर है वो आई से कम है। मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो करीबन ये आपका 40 डिग्री होगा, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, कम है इसे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो है 2.42। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सीधा ये है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ, जैसे मैं एयर वैक्यूम कर देता हूँ सीवी, और जो स्पीड ऑफ लाइट है आपका डायमंड में, उसका रेशियो कितना हुआ? ये आपका 2.42 हुआ। अब इसको किसके कितने भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.42 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट जो डायमंड में है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आपको लिक्विड बताना है जिसकी मास डेंसिटी कम है पानी से, लेकिन जो ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, देखने में डेंसर है लेकिन जिसकी मास डेंसिटी कम है, तो उसका उत्तर है केरोसिन। केरोसिन इसका उत्तर है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, आपको रे डायग्राम बताना है, साथ में जो पोजीशन है या रिलेटिव साइज है और जो नेचर है इमेज का वो भी आपको बताना है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से देखिए कि हमने इसको यहाँ रखा, एक सीधी गई क्योंकि ये आपका ध्यान रखिएगा मिरर है, तो उस तरफ तो लाइट जाएगी नहीं, टकरा के इस तरीके से चली जाएगी। इसको क्योंकि ये पैरेलल है तो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? आपके एफ से। एक जो यहाँ से जाएगी, जो हम पोल पे डालेंगे, वो सीधी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस से निकल जाएगी। इसको भी हम पीछे बढ़ा लेते हैं। ये दोनों पीछे बढ़ा लिया आपने, ये जो बनी इमेज ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है इनफाइनाइट और पोल के बीच में, ये पोल है आपका, ये इनफाइनाइट और इसके बीच में ये इसको रख दिया आपने। जो पोजीशन है इमेज की वो यहाँ बन रही है, इसका मतलब ये पोल और फोकस के बीच में बन रही है। अभी मैंने आपको एफ बताया, एफ और पी के बीच में बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है। और जो नेचर है इमेज का, क्योंकि हमको लाइनें बढ़ानी पड़ी पीछे की तरफ, ये कन्वर्ज डाइवर्ज हो रही थी तो हमें कन्वर्ज करना पड़ा, इसलिए ये वर्चुअल बन रही है। एक्चुअली लाइनें नहीं आ रही, हमने डॉट 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 करके बढ़ाया तो बनी। और इरेक्ट है मतलब सीधी है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, नीचे की तरफ नहीं है, और आप साइज में देख ही रहे हैं छोटी है। प्रिंसिपल क्या है रिवर्सिबिलिटी लाइट का? लाइट की रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? आपको इंसिडेंट रे बताना है लाइट क्या, जो पैरेलल हो इमर्जेंट रे से, जो लाइट की आ रही है जब वो गिरती है ऑब्लिकली, कहां पर? जब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो आपका। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये फिगर। देखिएगा, जो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी आप यहाँ एयर से ग्लास में गए, फिर ग्लास से आपको वापस लाइट को बाहर भी तो निकलना है। तो जैसे ही एयर से ग्लास में जाएगी, ये थोड़ा इसके इस नॉर्मल के करीब आ जाएगी, थोड़ी करीब आ गई, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी, ये इससे दूर हो जाएगी। तो अगर मैं एक्चुअल जो लाइन है उसको सीधे बनाऊं और जो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है उसको बनाऊं, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, इनमें कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो फाइनल पाथ है रे का, लाइट का, जब रिफ्लेक्शंस होंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे या रिफ्रैक्शन होंगे, वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब रे जो है वो रिट्रेस करेगा अपना पूरा का पूरा पाथ। इसकी बात मैं पहले का जवाब दे रहा हूँ, जो प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का, यानी कि जो आपकी पाथ है फाइनल, जो बाद का पाथ है लाइट का, रे ऑफ लाइट का, यदि रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्लेक्शन होगा, वो अगर मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, कहीं से टकराया, ये वापस इसी लाइन में चला जाएगा वापस। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कह रहे हैं, क्योंकि ये अपना पाथ रिट्रेस करती है। अब दूसरे का अगर हम जवाब दें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अब इसमें पहले में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर, ये वाला
इक्वल टू एन जी बाय एन ए। एन जी हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आपकी रिफ्लेक्टिव ग्लास में और यहां पर आपका एयर में, एन जी बाय एन ए, यानी कि हम ए एन जी कह सकते हैं इसको। अब स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर हम यहां पर लगाएं इस जगह पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, तो आप देखिए साइन आर बाय साइन आई क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन जी, ठीक, यानी जी एन ए कह सकते हैं। अब देखिएगा कि जो एंगल एन वन क्यू आर है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से मैं रे बनाऊं, ऐसी लाइट लाइन बनाऊं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि पैरेलल लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, दोनों दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो इससे हमें क्या पता, यदि अगर मान लीजिए रे रिट्रेस करती है अपना पाथ, तो रिवर्स रे कहाँ कहाँ होगी, जो अगर दोबारा वापस चली आती है तो एन जी बाय एन ए, यानी कि साइन ई बाय साइन आर, एन जी बाय एन ए क्या होगा, साइन ई बाय साइन आर, यानी कि ए एन जी। अगर हम इसके जो दूसरा आपकी एक्सप्रेशन थी और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होगा, साइन आर बाय साइन आर, आपका जी एन ए और ए एन जी, ये आपका वन हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, है ना, वन हो गया। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन लाइट का रिवर्सिबल है। और अगर हम पहले और तीसरे को ले, इसको और इसको, इस इक्वेशन को ले, इस वाली इक्वेशन को ले, तो क्या बनेगा, इस इक्वेशन को लेते ही साइन आई बाय साइन आर, साइन ई बाय साइन आर बनेगा, ये दोनों कैंसिल, साइन आई बाय साइन आई साइन ई के बराबर, यानी कि आई ई के बराबर। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, वो पैरेलल होगी जो इमर्जेंट रे है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल होगी, राइट, जब लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि लाइट इस तरीके से गिरेगी तो ये सीधी निकल जाएगी, ये है इस पूरा तथ्य, इस सवाल का जवाब ये है। आपको रे डायग्राम से बताना है क्यों कॉन्वेक्स मिरर को प्रिफर किया जाता है रियर व्यू मिरर, मिरर मोटर कार्स में, यानी कि जो पीछे हमारे कार के साइड में लगा होता है मिरर, जिसे हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो क्यों कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं। तो उसका कारण ये है कि पहले तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा, और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ता, इंक्रीज होता है जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब देखिए ये आपका इस तरीके से, एक तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया यहां से यहां तक, ये मिरर के कारण फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, क्योंकि देखिए यहां से लाइन जो जाएगी वो सीधी वापस आ जाएगी क्योंकि फोकस की तरफ जा रही है, यहां से भी जा रही है तो वापस चली जाएगी क्योंकि फोकस की तरफ जा रही है, मतलब फोकस में आगे बढ़ाएं तो फील्ड ऑफ व्यू तो इतना हो गया, है ना, एक लाइन यहां से जाके यू अगर गई तो हम यू बढ़ा सकते हैं, एक लाइन यहां से गई तो यू बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया और ये दोनों चीजें आप यहां पे देख पा रहे हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लाइट का, आपको इलस्ट्रेट करना है डायग्राम से, आपको दो फैक्टर बताने हैं जिससे लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसी सब्सटेंस का उस पर डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है कि इस तरीके से समझाऊं मैं, एक इस तरीके से ऑब्लिक आपने लाइट दी, वो अंदर कुछ भी बेंड हो रही है फिर निकल रही है, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, इसके पैरेलल होगी, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लेटरल डिस्टेंस कहेंगे। तो लेटरल डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, इसको 90 डिग्री मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा दें और जो बाद में जो निकली है, जो या इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे निकली है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किस पर डिपेंड करता है, जो थिकनेस है इस स्लैब की, जो इंसिडेंट और आपके आई और जो आपका ई है, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल। तो सीधी सी बात है, यहां से एक लाइन आई, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब रिफ्रैक्ट हुई यानी कि थोड़ा सा अंदर आई, फिर ये बाहर की तरफ निकली। ये जो डिस्टेंस है एल बी, यहाँ जो दिख रहा है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं कि ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। आपको रे डायग्राम बनाना है, साथ में पोजीशन, रिलेटिव साइज और नेचर इमेज का बताना है जो कॉनकेव मिरर द्वारा बनाया जाएगा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस पे के बीच में। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एक सीधी जाएगी, ये फोकस से निकलेगी, जो हमारी फोकस से निकलेगी वो सीधी हो जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे, ये हमारी फाइनल इमेज बनी। तो पोजीशन क्या है इसकी, एफ और सी के बीच में है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर है। दूसरा पोजीशन इमेज की कहाँ बन रही है, यहाँ पर बियॉन्ड सी, इसके बाद बनी है यहाँ पर। और नेचर इमेज क्या है, रियल है क्योंकि एक्चुअल रे इंटरसेक्ट हो रही है, इन्वर्टेड है, ये ऊपर है ये नीचे, इन्वर्टेड हो गई और देखिए साइज में भी बड़ी है तो ये इनलार्ज हो गई। यदि जो इमेज बनी है लेंस द्वारा वो छोटी है, साइज में छोटी है और इरेक्ट है, फॉर ऑल द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, किसी भी पोजिशन को पे रख दें ऑब्जेक्ट को, किस टाइप का लेंस है ये, तो ये लेंस है कॉनकेव लेंस, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं इसलिए सीधा यहां दे दिया कॉनकेव लेंस। अब आपको वो पॉइंट बताना है लेंस का जिससे अगर
रे ऑफ लाइट जाएगी, लाइट की जो रे जाएगी वो बगैर डेविएट हुए निकल जाएगी, अनडेविएटेड निकलेगी, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये भी हम काफी देख चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन, मैग्निफिकेशन और नेचर बताना है इस इमेज का जो बना है। अब देखिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो हम यूज करेंगे, हमें वी निकालना है, वी आपका 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस होगी 60 सेंटीमीटर, कहाँ से, लेंस से राइट हैंड साइड पे। और मैग्निफिकेशन क्या है, वी बाई यू। अब वी आपके पास है, यू है, साइन जरूर रखिएगा, एम आएगा -2, यानी कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है और डबल साइज की है जो ऑब्जेक्ट है, और इमेज रियल है क्योंकि वी आपका ग्रेटर देन 0 है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है। इसको डायग्रामेटिकली समझाया जाए तो यहाँ आपने रखा ये 30 है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद एक सीधी हम यहाँ से एफ से निकाल देंगे और जो आप बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसको हम सीधी निकाल देंगे, ये आपका फाइनल इमेज बन गई। तो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एफ दूरी 20 है, बाकी यहाँ से यहाँ तक आपको 60 मिल ही रहा है। पावर क्या होता है लेंस का, व्हाट व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस। तो जो एबिलिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है लेंस की, ताकि कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके, मिला सके या दूर भेज सके, जो रे और लाइट आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, उसे हम पावर कहते हैं उस लेंस का। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ का जो पी है वो 1/f है। फिर स्टेट एंड डिफाइन, आपको स्टेट करना है, डिफाइन करना है एसआई यूनिट पावर जो है लेंस का। तो जो एसआई यूनिट है पावर जो लेंस का, उसे हम डायोप्टर कहते हैं। तो जो लेंस है फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, उसका पावर है 1 डायोप्टर, यदि 1 डायोप्टर का मतलब है तो 1 बाय मीटर, 1 मीटर इनवर्स। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है आपका 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसको रखा गया एक दूसरे के आसपास इस तरीके से, एक कॉनकेव हो गया, एक आपका कॉन्वेक्स हो गया, एक आपका कॉनकेव हो गया, इसको ऐसे रख दिया गया। आपको कैलकुलेट करना है जो लेंस पावर है इस कॉम्बिनेशन का। तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं जो एफ होता है वो 1/p होता है, पी आपका 1/f होता है, यानी आप सीधा 1/f1 + 1/f2 करेंगे। यहाँ पर p1 p2 हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम p होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, यानी p = p1 + p2। p1 होगा आपका 100/25, क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, 25/100 करेंगे तो 25 यहाँ, 100 यहाँ, 1/25/100 है बेसिकली ये। और क्योंकि ये आपका लेंस दूसरा है, कॉनकेव लेंस है, तो माइनस लेंगे 100/-10, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 डायोप्टर आएगा आपका। आपको डवे डायग्राम बताना है ताकि आप दिखा सकें कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, जब आप उसको इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। तो ये कॉन्केव लेंस है आपका, आप देखिए मैं इसकी डायग्राम से समझाता हूँ आपको। हमने क्या किया, हमको सवाल में दिया हुआ है कि हम इसको इस जगह पर रखेंगे, यानी कि ये जो आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, और ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में ये हमारी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ रख दिया। ये आप इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखिएगा, एक मैं सीधी भेजता हूँ, ये इस तरह निकल जाएगी, ये हमेशा फोकस से पास होने वाली, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। जो अनडिवेटेड है इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, यानी कि a' b' आपका ये लाइन जो है ये बेसिकली आपकी इमेज बनी। तो जो पोजिशन है इमेज की वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जो नेचर है इमेज का, आप देखिए यहाँ पर ये दोनों जो इमेज है, दोनों लाइनें हैं वो इसमें आपका, एक जो है वर्चुअल है इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी, दोनों ऊपर है इसलिए इरेक्ट है, और साइज आप देख ही पा रहे हैं छोटा है। अब दूसरा जो है इसमें कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, ये इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर का लेंस है। आपको डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का क्या लेंस है, मैग्निफिकेशन बताना है जो इमेज बनेगी, और नेचर बताना है इमेज का जो बनेगा। तो देखिए एफ आपका -15 है, वी इक्वल टू -10 है, प्रॉपर हम साइन कन्वेंशन से लेंगे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, ये वैल्यूज रख दीजिए, आपको u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में। मैग्निफिकेशन निकालना है तो v बाई यू कर दीजिए, 1/3 आएगा। अब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ गया, लेकिन 1 से कम भी है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज इरेक्ट है, और आपका v जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, और क्योंकि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है। किस कंडीशन में जो ग्लास लेंस है जिसको ट्रांसपेरेंट लिक्विड में रखा जाए वो इनविजिबल हो जाता है, किस कंडीशन में? तो देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लेंस का वो बराबर हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिस लिक्विड में रखा, उन दोनों का, या ग्लास का और इसका, दोनों का आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया तो ग्लास लेंस आपको दिखना बंद हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। दूसरा है डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट विद डायग्राम। डायग्राम से आपको बताना है कि कैसे हम अरेंज करेंगे दो कन्वर्जिंग लेंस को, ताकि जो पैरेलल बीम है लाइट की जो एंटर हो रही है एक लेंस में, वो इमर्ज करे पैरेलल बीम दूसरे से, सेकेंड लेंस से वो पैरेलल आए। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास एक लेंस यहाँ पर है, हम क्या करें, जो लाइटें सारी आ रही हैं उसको सब पैरेलल भेजें, ये आपकी फोकस से पास होगी, और जब ये फोकस से पास होगी सीधी जा रही है, जैसे ये यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये आपकी फोकस से निकल के आ रही है तो ये सीधी हो जाएंगी, फोकस से आ रही सीधी हो जाएंगी, फोकस से आ रही है सीधी हो जाएंगी, यानी पैरेलल बीम कन्वर्ज होगी फोकस पे पहले वाली की, और जो दूसरी दूसरे के लिए जो है वो यहाँ से निकल के आएंगी, तब ये आएंगी भी पैरेलल और निकलेंगी भी पैरेलल। अगला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, आपको पोजीशन बताना है, नेचर बताना है जो इमेज बनेगी। तो देखिए एफ आपका -12 है, यू इक्वल टू -3, प्रॉपर सन कन्वेंशन से हमने लिया, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, एफ और यू की वैल्यू लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, वी आपका आएगा -12/5। अब क्योंकि ये आपका माइनस में है, यानी कि वी लेस देन जीरो है, इसका मतलब सीधा मतलब है कि इमेज आपकी वर्चुअल है। अगर मैं वी और यू का मॉड लूँ, मॉड्यूलस लूँ, दोनों को पॉजिटिव कर दूँ, तो आप देखेंगे वी जो है वो यू से छोटा है, मैग्नीफिकेशन होता है वी बाई यू, इमेज आपकी छोटी है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं वी और यू को डिवाइड करेंगे तो 4/5 आपका 1 से कम है, एम तो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन जो मॉड्यूलस एम है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है और छोटी है, डिमिनिश्ड है। आपको रे डायग्राम से बताना है क्यों जी, क्यों ये कॉनकेव लेंस ये डाइवर्ज करता है रेस को जो पैरल आ रही है, पैरल बीम ऑफ लाइट जो उसके पास आ रही है। उसका सीधा कारण ये है कि जब एक पैरल बीम की लाइट इंसिडेंट होती है आपके पहले पहले फेज पे, तो हर एक जो ये जो थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी है ना, नॉर्मल से ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन जैसे ही ये दूसरे सरफेस पे आएगी, मतलब इस सरफेस से अब इसको निकलना है, तो ये और उसकी तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये आपका रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जैसे रेयर से डेंसर आएगी उसके करीब जाएगी, लेकिन जैसे ही आप डेंसर से रेयर जाएगी वो उसके नॉर्मल से दूर दूर की तरफ निकलेगी, राइट। तो अब जब इस बाउंड्री पे आप देखेंगे जो कोर्स ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका मतलब ये है कि आपको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज हो जाती है, जो कॉन्केव शेप है दोनों फेसेस का, जो डबल कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्ज करता है रेज जो पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो पैरेलल है, वही कार्रवाई यहां भी होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं, एक 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसकी लेंथ हाइट दी हुई है, उसको हमने परपेंडिकुलर रखा प्रिंसिपल एक्सिस से, कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, किस डिस्टेंस पे इस लेंस के ऑब्जेक्ट को हमको रखना है ताकि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर इमेज बने लेंस से, आपको नेचर और साइज भी बताना है जो इमेज बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो जो वैल्यू है, एच आपका एच ओ आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एफ आपका -15, वी इक्वल टू -10, ये हमेशा कॉनकेव लेंस में हम देखते हैं कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। 1/f = 1/v - 1/u लगाएंगे, इससे u निकालेंगे, -30 सेंटीमीटर आएगा। मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u। m निकालना है, ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, 1/3 < 1, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको ये 2 आपके पास ऑलरेडी है, इससे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी ये 2/3 आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, यानी कि इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी। तो ये एक और पार्ट देखा हमने क्वेश्चन आंसर्स का जो बोर्ड में आए थे, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।